संजय गांधी पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल न्यू शिमला, एडमिशन ओपन फॉर सेशन 2024-25, अकोमोडेशन फॉर एग्जामिनेशन सेंटर गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट अवेलेबल, एडमिशन ऑफिस छोटा शिमला, कॉन्टैक्ट 2620679 एंड 8219363334। फतेहपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए और पत्रकारों के पूछे गए सवाल पर जवाब देते हुए कांगड़ा चंबा के कांग्रेस प्रत्याशी आनंद शर्मा ने कहा कि कांग्रेस सरकार की इस 1500 देने वाली योजनाओं को बंद करवाने के लिए चुनाव आयोग के पास भाजपा गई थी, मगर हम कामयाब हुए और चुनाव आयोग ने निर्णय हमारे पक्ष में दिया और अब महिलाओं को हर माह 1500 ही नहीं बल्कि साल का 1,00,000 भी मिलेगा। सबसे मूल मंत्र, इसे मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, ये 400 पार का नारा लगाते हैं, इनकी सोच ये है कि हम इसी संविधान को बदलें। संविधान की जो मूल बातें हैं वो अच्छी हैं, लेकिन चलाने वाले जो है उसका जो है वो गलत से व्याख्या कर रहे हैं। हमने संविधान ही बदलना है, हमने इन लोगों को बदलना है जो संविधान के साथ छेड़छाड़ करना चाह रहे हैं। इसे मेरी आप लोगों से निवेदन है कि सबसे बड़ी चुनौती आज हमारे सामने खड़ी है। आज आप कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र देखिए, जब राहुल गांधी जी ने घोषणा पत्र, हमारे शीर्ष नेतृत्व ने घोषणा पत्र दिया, तो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेता श्री मोदी जी जो प्रधानमंत्री हैं, उनकी जो है वो पैर जो है वो हिल गए। उन्होंने कहा जब मेरी सरकार सत्ता में आएगी, राहुल गांधी जी ने कहा, तो मैं महलों के अकाउंट में जो है वो 1,00,000 रुपया हर महीने जो है वो डालूंगा। 800 हजार रुपया आपके 8,500 रुपया हर महीने आपके अकाउंट में जाएगा और 1,00,000 रुपया जो है वो हर महीने हर साल आपके अकाउंट में जाएगा 8,500 के हिसाब से। वैसे उसने कहा कि अदानी हमारी बनाए हैं, 22 लोगों को करोड़पति बनाया। राहुल गांधी कहता है मैं करोड़ों लाखपति जो है वो हिंदुस्तान में बनाऊंगा। मैंने इसके लिए उसने कार्यक्रम जो आपने दिया है, इसी तरह उन्होंने कहा है कि मैं किसानों के कर्जे माफ करूंगा। 2004 में जो है वो हमने 70,000 करोड़ के कर्जे माफ किए, उसमें हमने किसानों के ट्रैक्टर के कर्जे भी माफ किए थे। तो मैं कहता हूँ कि बुरी हालत होगी जो अब रशिया में और चाइना में हो रही है। रशिया में चुनाव हुए, किसी को पता नहीं लगा, वहां का राष्ट्रपति वैसे बन गया। चाइना में चुनाव हुए, किसी को पता नहीं लगा, क्योंकि उसके मापदंड में कोई नहीं था वो। आज मोदी भी चाहते हैं मैं इस तरह का चुनाव कहूँ कि सारी जिंदगी में हिंदुस्तान का जो है वो बादशाह बन के बैठू। इसलिए इस प्रजातंत्र के इस महायज्ञ में आपने अपने वोट का इस्तेमाल करके हिंदुस्तान में एक पक्की ठक्की सरकार बनानी है, वो कांग्रेस पार्टी है। आज के आज तक जो चुनाव हुए, आज भारतीय जनता पार्टी हार रही है और कांग्रेस पार्टी जो वो आगे बढ़ रही है। हमारा जो चुनाव है वो साथ में करना है। एक पहली को हमारे वोट पड़ेंगे और 4 को नतीजे निकलना शुरू हो जाएंगे। आप देखे कांगड़ा बैंक की दुआ के लिए ब्रांचा खुल गया, परंतु वह सवाल ये ब्रांच नहीं खुली तो 50 साल से कांगड़े बैंक के अंदर कितनी बढ़ती। तो आपकी जवाब जरा ना हमने किशन कपूर जी को नहीं डाला, हमने डाला अपने पुलवामा के शहीदों को। मैं कहा बहुत अच्छा, एक आदमी ने आपसे 2019 से वोटा पर किया, 2019 पर तुसा वोट पाया पुलवामा के शहीदों पर, उन एक गल दिखा जिस बंदे को ये पता कि तमिलनाडु के एक एमएलए के घर 1,50,000 रुपया पिया, कहने उतु ईडी भेज दिया, उतु सीबीआई भेज दिया, और उस 50 साल च यह नहीं लगा पता कि 200 किलो आरडीएक्स जिससे वो जवान शहीद हुए थे वो कदू दे आया। ये सवाल कौन पूछेगा कि वोट हमने आपको दिया पुलवामा के ऊपर, पुलवामा के जो शहीद थे उनको इंसाफ आज तक क्यों मिला? एक सवाल को नहीं पूछ रहे जी, ये दूसरा पूछ रहे। और जब आपके पास भारतीय जनता पार्टी वाले वोट मांगने आएंगे, आपने यही मुद्दों के ऊपर बात करनी है। ये कोई भगवान श्री राम के ऊपर आपने वोट नहीं डालना, भगवान राम हमारे दिल में है, ठीक है जी। असा ये शिव करे शक्ति का ये सड़क रे है
हिमाचल प्रदेश, ठीक है, हम शिव को भी पूछते हैं, हम शक्ति को भी पूछते हैं, हम हर भगवान को पूछते हैं, उसके लिए हम वोट नहीं डालेंगे। वोट ऐसा पड़ना सिर्फ एक मुद्दे पर, आपने हमको रोजगार दिया 2 करोड़ नौकरी हर साल, 10 साल दिया 20 करोड़ नौकरियां, आप हिसाब दो दीदिया आपने नहीं दी। 2014 के अंदर एक सफेद दाढ़ी वाला बंदा जेड़ा ना सह टीवी पर बड़ा फरी आता अरे तो चीखी चीखी के एक गल बोलता हा, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार तैना बोलिया कि असा महंगाई घटानी, ठीक है जी, बहुत हुआ डीजल और पेट्रोल का भाव, अगली पिछली बार मोदी सरकार। उन चीज दसा 2014 सिलेंडर कितने रहा 400 रुपये, अज सिलेंडर कितने रहा, तो यह सिलेंडर 400 से 12 पर बढ़िया। मैं ये नहीं बोला ना कि इसके लिए इनको माफी मांगनी चाहिए, ये तो सर मंगनी नहीं, ये चौड़ी बड़ी बड़ी मोटी है, पर मैं ये बोला ना कि तुसा जेड़ा बोलते उसने उल्टा कर दे तो थोड़ी गल असा मनिए है, महंगाई इन्हें नहीं घटाई, उसके बाद इन्हें बोलिया पेट्रोल डीजल 40 रुपये का कर देंगे, सर सखा का जेड़ा असं 100 पर पुजी गया। उसके बाद अज दिन तक आजाद हिंदुस्तान च कहीं अंग्रेजा भी जिन्हें चीजों पर टैक्स है नोलाया ना, इस सरकार ने सब पर टैक्स देता, थोड़ी जी रबड़ की रिलैक्सो की चप्पल है जिस पर GST लगी है, दुद्ध पर GST लगी है, जो पैकेट का देही है जिस पर GST लगी है, थोड़े बच्चे दिया कॉपियां पेंसिल पर GST लगी है। यह सरकार 2,25,000 करोड़ हर महीने का GST जरा असा इकट्ठा करती है, सर कुछ दिए जेबा ले जाते, कुछ जेबा ले जाते, वो आपकी जेब में से निकल रहा है, वो मेरी जेब में से निकल रहा है। अरे जिन्नी बंदे ये बोलिया हा कि महंगाई को हम कम करेंगे, उन्नी महंगाई जी दुगुनी करी थी, ये जो इलेक्शन है ना ये सह जवाब मंगने का इलेक्शन है। भारतीय जनता पार्टी के जब लोग आपके पास आएंगे वो आपको बोलेंगे कि आपकी भैंस कांग्रेस छीन के ले जाएगी, जो थोड़ा 2 महीना कांग्रेस आई टू लेगी नहीं, यही बोला देना फिर इलेक्शन। सिटी चैनल के लिए फतेहपुर कांगड़ा से रविंदर चौधरी की रिपोर्ट।